आगामी त्योहार ईद और परशुराम जयंती को शांतिपूर्वक मनाए जाने को लेकर सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, जिले के उच्च अधिकारियों के साथ सिद्धार्थनगर जिले के सभी समुदायों के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। पीस कमेटी की बैठक को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने बताया कि ईद और परशुराम जयंती त्योहार सामने है। ये दोनों त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हिंदू और मुस्लिम समुदाय के गणमान्य लोगों को बुलाकर उनसे भी अपने अपने त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों को साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ कराने के साथ बिजली पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। आज जनपद में जो आने वाले पर्व हैं ईद और परशुराम जयंती, उनको लेकर सभी लोगों के साथ बैठक की गई। बैठक में लोगों से ये एश्योर कराया गया कि कहीं पे जिले में किसी भी तरह का अशांति न फैले, इसके लिए एश्योर कराया गया। सभी यहाँ धर्मगुरु थे, सभी संभ्रांत नागरिक थे, सभी लोगों ने ये भरोसा दिलाया कि उनके पर्व वो अच्छे से मनाएंगे और बेहतर ढंग से इस चीज़ को संपन्न कराएंगे। इस यहाँ पर हमारे सभी अधिकारी भी उपस्थित थे, अधिकारियों से भी ये से निर्देश दिया गया, उनको निर्देश दिया गया कि उस दिन जो है साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराए, बेहतर सुनिश्चित कराए। और सभी हमारे यहाँ थानेदार भी उपस्थित है, थानेदार लोगों ने अपने जिले के बारे में या अपने क्षेत्रों के बारे में, अपने थाना क्षेत्रों के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि कितने जगह नमाज पढ़ी जानी है, सभी जगह शांतिपूर्वक पढ़ाया जाएगा, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।